हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, नमस्ते सभी को, बड़ों को, और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्रीम जियो व्लॉग्स। सो कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। सो रात को नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आई और आँखें आप देख रहे होंगे मैं कैसे सूजी पड़ी है, और ठंड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। सो स्लीपिंग बैग भी मेरे पास है, -20 डिग्री का है, बट एक्चुअली ना उसकी ना जिप ख़राब होगी, टूट गई हो, तो उसी करके उसको मैं उठा करके लेटता हूँ। ठीक है, और नीचे मैंने 3 मैट भी बिछाए थे, आपने कल की वीडियो देखा होगा, तो मतलब अच्छा लगा, नींद अच्छी आई मेरे को। रूम में सोया था अंकल के साथ, सो अभी मैं सुबह सुबह वॉक कर रहा हूँ पहाड़ों में। आपको पता ही है कैसी वाइब्स आती है सुबह सुबह मॉर्निंग में। सो ये आप पीछे देखिए मौसम कैसा है, कितना अच्छा मौसम है, ये आप चेक करें। खाली सड़कें हैं, गांव के लोग जा रहे हैं काम पे, कोई पैदल जा रहा है, कोई बच्चा है, स्कूल जा रहा है, ये आप चेक करें। सो इस टाइम मैं हूँ डलहौजी में, यहाँ पे जो स्कूल है बहुत अच्छा स्कूल बना हुआ है, हिल टॉप स्कूल, और डलहौजी पब्लिक स्कूल भी है उससे पहले डलहौजी में, और डलहौजी के बाद जो आगे जब हम खरियार को आते हैं वहाँ पे आता है हिल टॉप, उससे थोड़ा सा ही आगे है, तो अच्छा बना हुआ है। और ये नीचे जंगल है सारा, और कोई आप ये चीज़ देखें कैसे जड़ें निकली हुई हैं इसकी पेड़ के अंदर से, ये चेक करें। तो जैसे कि मैंने बोला था कि कोई अगर होगा कैंपिंग करने के लिए, कोई इंटरेस्ट होगा हिमाचल से, तो मेरे को बताना, मैं भी आपके साथ कैंपिंग करूँगा। तो मेरे को तो अच्छा लगता है कैंपिंग वगैरह करने के लिए, अपना अपने आप कुकिंग करो, खाना बनाओ अपने लिए, अच्छा अच्छा तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मेरे को कई जने कह रहे थे कि टेंट में सोता है, तेरा स्टेटस ये है, तेरा स्टेटस वो है। भाई ऐसे टेंट में सोने से स्टेटस कोई वो नहीं होता, होटल में मैं भी रुक सकता हूँ, अगर तुम लोग होटल में रुक सकते हो मैं भी होटल में रुक सकता हूँ, पर जिस बंदे का जैसा शौक होता है ना कि बंदे ने टेंट में सोना है, अपने आप कुकिंग करनी है, तो उसको ऐसी चीज़ अच्छी लगती है, राइड करनी है। अब मैं अकेला आया हूँ, सोलो राइड पर निकला हूँ, तो एक बंदे का अपना सेटअप होता है कि शौक होता है कि मैंने घूम फिरना है, मैं टेंट में सोना है ना, अपने आप कुकिंग कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। तो ऐसे पहाड़ों में एक कहते हैं ना कि अच्छी वाइब्स आती है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप लोग हो मेरा साथ देने के लिए, आप इतने ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, वैसे ही करते रहो। सभी ठंडा भी सुबह सुबह है, मैंने अभी जैकेट उतारी थी, मैं थोड़ा पानी वगैरह गर्म कर रहा था नहाने के लिए, मैं नहाया नहीं था कल, सो कोई ठंड बहुत ज़्यादा थी, आज भी ठंड है, तो आज पानी गर्म कर रहा हूँ, रोड लेके आया हूँ मैं दूसरे भैया से, और बस वो गर्म कर रहा हूँ, फिर उसे नहाऊँगा थोड़ी देर में। सो आज का मेरा प्लान है कि आज मैं शायद धर्मशाला मकरोड़गंज चल जाऊँ, तो वहाँ पर आज पहुँच जाऊँगा। सो फाइनल गए, सैर करके मैं आ गया हुआ था वॉक करके, और अभी ब्रश वगैरह करने लगा हूँ, और अंकल जी चाय बना रहे हैं, ये आप चेक करें, अंकल चाय बना रहे हैं, बहुत स्वाद बनाते हैं, मसाले वगैरह बीच में डाल के, मसाले मतलब अदरक लौंग इलायची वगैरह सारा कुछ डाल के। सो अंकल जब तक चाय बनाते हैं तो हम ब्रश वगैरह करके आते हैं, और साथ में इधर पानी गर्म लगाया हुआ है, बस पानी गर्म हो जाएगा फिर उसके बाद नहाएंगे, फिर आगे का प्लान करते हैं कहाँ जाना है। सो आपको ब्रश करके फ्रेश होके फिर मैं मिलता हूँ गाइस। तो चाय हमारी बन चुकी हुई है स्वादिष्ट, और अंकल के साथ चेयर हो रहा है, अरे ब्लर क्यों हो गया, हाँ सब चाय पी के बताते हैं आपको कैसे बनी है, बहुत स्वाद बनी है गाइस चाय, अंकल ने बहुत स्वाद चाय बनाई है अंकल जी। गाइस आपा फेस वॉश वगैरह साबुन रख लिया है, गर्म पानी हैगा, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंड भी बहुत हैगी, तो
नहा धो के तुहानू मिलदे आ, फिर फ्रैश हो के बिल्कुल, फिर तुहानू मिलदे आ आपां धर्मशाला मकरोड़गंज। सो गाइज नहा धो के तुम्हारा भाई रेडी हो चुका हुआ है, सो पैकिंग वगैरह करते हैं। सामान बहुत ज़्यादा खिल रहा हुआ, आप ये चेक करें, अरे तो कितना सामान सारा, मैं एक बैग ये रहा, और वो मेरा टेंट है, वो अपना अपना क्या कहते हैं पंप पे पेंचर वाला, एक सामने राइडिंग जैकेट टंगी हुई है, शू वगैरह डालने, अभी सारा कुछ सामान सेट करना है, फिर यहाँ से निकलना है। सो सारा पैकिंग सामान करके आपको सीधा ही बाइक पे मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली हमारी पैकिंग हो चुकी हुई है, बाइक पूरी हमारी लोडेड हो चुकी हुई है, ये देखिए तीनों बैग मैंने बड़े बड़े बांध दिए हुए, पीछे दो कैनी है पेट्रोल के लिए, लोड तो अभी है नहीं, सच पास जाना था तो वो रास्ता बंद है, यहाँ पे मैंने अपना टैंक बैग रख दिया हुआ है। ठीक है अंकल जी, फिर मिलांगा मैं, दिसंबर जावांगा, बर्फ़ पौगी जदों, है ना, फिर करेंगे एंजॉय पूरा वधिया। सो हुण छड़ दें इस जगह नू, बहुत अच्छी यहाँ पे बनी हुई है। सो गाइस मिलते हैं आपको रास्ते में, सो बाय। सो गाइस असी निकल चुके हैं इत्थों दी, और मैं अंकल दे नाल जा रहा हूँ थोड़ा अगे मार्केट नाल ही, सो समान अपना पूरा लोडेड हैगा वा, तो अंकल जी नाल जा रहे हैं असी चाय पीन वास्ते, ब्रेकफास्ट टाइम हुआ था, फिर मैं चलो जल्द जल्द परौंठा वगैरह खा लेते, एक मैंने परौंठा कराया था, सो परौंठा खा के फिर मिलता हूँ आपको रास्ते में, फिर उसके बाद सीधा ही 50-60 किलोमीटर कवर करके मैं रुकूंगा। सेटअप वगैरह हमने, सो गाइस सेटअप वगैरह हमने सब कर लिया हुआ बाइक पे, सब निकलने लगे। ठीक है अंकल जी, ओके। सो हम निकल चुके हुए हैं नेक्स्ट राइड पे, धर्मशाला मकरोड़गंज। सो टाइम हो चुका हुआ है 10:24, और तो गाइस हम फाइनली फिर से दोबारा पहुंच चुके हैं गांधी चौक डलहौजी, जिसको हम माल रोड भी बोलते हैं। सो आपको मैं दिखाता हूँ, ये सामने मेरे चर्च है, मैंने एक ब्लॉग को डाला हुआ सबसे पहले, बहुत ज़्यादा पहले जब मैंने मतलब यूट्यूब पे स्टार्ट किया था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नो पड़ी हुई थी, सारी चर्च है। ये सामने गांधी चौक है, गांधी चौक है गाइस। तो हम डलहौजी से नीचे आ चुके हैं बनीखेत, ये चौंक है बनीखेत का, और ये रास्ता इधर को लेफ्ट को टर्न कर जाता है चंबा के लिए, हमने जाना इधर इस साइड पठानकोट की तरफ। पठानकोट के मतलब पहले ही, मतलब रास्ते में बहुत ज़्यादा पहले ही रास्ता कट करता है डलहौजी की तरफ, सो हमने उधर को जाना है, सो मिलते हैं आपको रास्ते में। विश यू ए वेरी हैप्पी जर्नी। गाइस ये चेक करें आप, ब्रिज आ गया रास्ते में, कितना अच्छा लगा है, और नीचे पानी का बहाव देखे, राम ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, बर्फ वाला बिल्कुल साफ है पानी है ये वाला। सो अभी हमने पहुंचना है लड्डू, यहाँ से 4 किलोमीटर रहता है, लड्डू नाम ही है शायद, बाकी आगे देख के आपको बताता हूँ। भाई ये चेक करो आप, लद्दाख वाले पहाड़ यहाँ पे भी आ चुके हुए हैं, ये इस टाइम मैं हूँ लाडू में, धर्मशाला से धर्म अपना क्या कहते हैं पठानकोट से रास्ता, पठानकोट डलहौजी से रास्ता मुड़ता है धर्मशाला को,
तो वहाँ रास्ते में ये सारा सिस्टम, जो पहाड़ ये वाले पहाड़ आते हैं, ये देखो कितने बड़े हैं। ये ऐसे पहाड़ लद्दाख में देखे थे मैंने। तो भी मैं लाडू में पहुंचा हूँ। लाडू के बाद आएगा सिहुंता, सिहुंता पाटका। ये मैं पहुंच चुका हूँ धर्मशाला के मार्केट में। ये आप चेक करें, अब यहाँ से बजेगा शॉर्टकट 4 किलोमीटर पे सीधा मकलोड़गंज। एक अगर लेफ्ट को मुड़ जाएंगे यहाँ से आई थिंक 8 किलोमीटर है, तो हमने शॉर्टकट जाना, 8 नहीं 10 10 किलोमीटर है शायद यहाँ से। चढ़ाई देखो सीधी चढ़ाई है बिल्कुल ही, पहले गियर पे जानी है ये अभी। कर रहे बाय बाय बाय। देखो और क्यूट बच्चा, भाई अगे कर लो यार, नहीं आएगा। अरे समान है यार, भाई थोड़ी अगे कर लो यार। कार है ये कार। पुलिस वाला कहता कार ही बना चुकी है तुसी। सो फाइनल गाइस हम पहुंच चुके हैं मकलोडगंज धर्मशाला, और इस टाइम मैं हूँ धर्मकोट में। सो यहाँ पे रूम हमारा पहले से बुक ही होता है। ये सामने मेरा गेस्ट हाउस है, अमित गेस्ट हाउस। बहुत अच्छे आंटी अंकल, अमित भी अच्छा है लड़का। ये अपनी बाइक लगी हुई है यहाँ पे, रास्ता बंद कर दिया है होटल वालों ने, अपनी सड़क बना ली। अब नीचे से हल्का सा उनका भी बना रहे थे, अगर सड़क बना रहे हो तो उन्होंने बिल्कुल ही रास्ता बंद कर दिया। बाइक देखता हूँ मैं कैसे लेके जाऊँ नीचे, नहीं तो बाइक ऊपर सामने पार्किंग में लगानी पड़ेगी, या तो यहीं पर साइड पर सामान उतार के यहीं पर लगा दूंगा मैं। मैं व्लॉग यहीं तक रखता हूँ। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो हर एक वीडियो में, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहो। मिलते हैं आपको नए नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। सो टेक केयर, बाय गाइस।